नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीत कौर स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का अपने YouTube चैनल पर। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हमारी आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं करवा चौथ स्पेशल मेहंदी डिजाइन। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले मैं यहाँ पर डबल आउटलाइन बना रही हूँ। इसको मैंने इस तरीके से बोल्ड किया। अगेन मैंने यहाँ पर डबल आउटलाइन बनाई है। अब इसके ऊपर मैं बना रही हूँ ये स्मॉल सर्कल। मैंने यहाँ पर स्मॉल सर्कल की डबल लेयर बनाई है। मैंने यहाँ पर इस तरीके से एक बॉक्स बनाया है। उस बॉक्स को फिल करने के लिए मैं यहाँ पर दे रही हूँ ये लोटस का डिजाइन। यानी कि हम यहाँ पर इन लोटस की हेल्प से इस तरीके से एक मधुबनी का डिजाइन बना रहे हैं। आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कोई और डिजाइन, कोई और एलिमेंट बना सकते हैं। अगेन मैंने यहाँ पर इस तरीके से एक और लोटस का डिजाइन बनाया है। अगर आप लोगों को ये लोटस के डिजाइन बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी एलिमेंट आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने अपने चैनल के ऊपर लोटस मेहंदी डिजाइन की बेसिक टू एडवांस दोनों ही वीडियोस अपलोड की हुई है। आप मेरे चैनल पर जाइए, उनसे वीडियोस को चलाइए और बहुत ही अच्छे से उन सभी डिजाइन की प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो डिजाइन बनाया था उस डिजाइन की आउटलाइंस को मैं यहाँ पर इस तरीके से बोल्ड कर रही हूँ, और बोल्ड करने के साथ साथ हमारा जो गैप बचा है उस गैप को मैं साथ साथ में बहुत ही अच्छे तरीके से फिल भी कर रही हूँ। दोस्तों, हमें इन सभी आउटलाइंस को बहुत ही पेशेंस के साथ और बहुत ही अच्छे से बोल्ड करना है, ताकि बोल्ड करते समय हमारा ये डिजाइन बिल्कुल भी मैशी ना हो, बिल्कुल भी खराब ना हो। और हमारा ये डिजाइन बोल्ड करने के बाद और हमारा जो गैप बचा है उस गैप को फिल करने के बाद भी हमारा ये डिजाइन एज इट इज रहना चाहिए, बिल्कुल भी खराब नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं जैसे जैसे हमारे इस डिजाइन को बोल्ड करते हुए और हमारे गैप को फिल करते हुए अच्छे तरीके से कंप्लीट करती जा रही हूँ, वैसे वैसे हमारा ये डिजाइन, ये पैटर्न और भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। आई होप दोस्तों कि आप सब लोगों को हमारी आज की क्लास की मेहंदी की ये स्टार्टिंग भी बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। और अगर आप लोगों को आज की क्लास की मेहंदी की ये स्टार्टिंग रिक्रिएट करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी पैटर्न आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों की उस प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे तरीके से सोल्व करने की कोशिश करूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं जैसे जैसे हमारे इस गैप को मेहंदी से अच्छे से फिल करती जा रही हूँ, वैसे वैसे हमारा ये डिजाइन, ये पैटर्न और भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। मैंने यहाँ पर इस तरीके से डबल आउटलाइन बनाई है और इसके ऊपर मैं दे रही हूँ ये स्मॉल सर्कल। अगेन मैंने यहाँ पर स्मॉल सर्कल की एक और लेयर बनाई है। आप सब जानते हैं कि हमारी आज की क्लास का जो पैटर्न है वो है करवा चौथ स्पेशल मेहंदी डिजाइन का। तो आप सब लोग बड़े ही पेशेंस के साथ हमारे इस डिजाइन को देखिए, और देखने के साथ साथ आप सब लोग इस डिजाइन की बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आप सब लोग करवा चौथ के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से अर्न कर सके। दोस्तों, अगर आप सब लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और फर्स्ट टाइम मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, और आप बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, बिगनर्स, और आप भी इसी तरीके के नए नए डिजाइन्स, नए नए पैटर्न अगर लगाना सीखना चाहते हैं, हर एक फेस्टिवल के ऊपर नए नए डिजाइन्स अगर सीखना चाहते हैं, तो मेरा ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मेरा जो चैनल है वो है वी टू मेहंदी डिजाइन के नाम से। सो प्लीज गाइज, आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि मैं जो भी नए नए वीडियोस, नए नए डिजाइन अपने चैनल के ऊपर अपलोड करूँ, उन सबका नोटिफिकेशन आप लोगों तक जरूर पहुंचे और आप सब लोग घर बैठकर बहुत ही आराम से इन सभी डिजाइन्स को लगाना सीख सके। सो प्लीज गाइस, आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसके चारों तरफ एक आउटलाइन बनाई है। यानी कि मैंने यहाँ पर इस तरीके से एक बॉक्स बनाया, उस आउटलाइन को मैंने इस तरीके से बोल्ड किया, और अब इसके ऊपर मैं दे रही हूँ ये स्मॉल सर्कल। मैं यहाँ पर इसके चारों तरफ ये छोटे छोटे स्मॉल सर्कल बना रही हूँ। अगेन मैंने यहाँ पर इसके अंदर इस तरीके से ये आउटलाइनें बनाई हैं। फिर मैंने यहाँ पर अगेन एक और आउटलाइन यहाँ पर बनाई है, और मैं यहाँ पर दे रही हूँ इसके अंदर ये शेडिंग। आप चाहे तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कोई और डिजाइन, कोई और एलिमेंट भी बना सकते हैं। दोस्तों, आप सब लोगों को हमारी आज की क्लास का ये डिजाइन कैसा लगा, उसके लिए आप सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोगों को हमारा अब तक का ये डिजाइन रिक्रिएट करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी पैटर्न, कोई भी डिजाइन आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आप लोगों की उस प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और आप देख सकते हैं कि हमारा अब तक का ये डिजाइन बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। मैंने यहाँ पर इस तरीके से ये डबल आउटलाइन बनाई, फिर मैंने स्मॉल सर्कल दिए, यानी कि मैंने दोनों तरफ ही ये सेम पैटर्न यूज किया है।
अब हमने जो इस तरीके से बॉक्स बनाया था, जो गैप बचा है, उस गैप को मैं यहाँ पर इस तरीके से एक मधुबनी के डिज़ाइन की हेल्प से बहुत ही अच्छे तरीके से फिल कर रही हूँ। आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कोई और डिज़ाइन, कोई और एलिमेंट भी बना सकते हैं। अब हमने यहाँ पर जो डिज़ाइन बनाया था, उस डिज़ाइन को मैं यहाँ पर बोल्ड करते हुए हमारे गैप को बहुत ही अच्छे तरीके से फिल कर दूंगी दोस्तों, ताकि हमारा ये डिज़ाइन और भी ज़्यादा सुंदर दिखे। दोस्तों, अगर आप सब लोग मुझसे ऑफलाइन मेहंदी लगाना सीखना चाहते हैं, यानी कि मुझसे मिल करके अपने सभी डाउट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहते हैं, तो नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं जैसे जैसे हमारे डिजाइन को मेहंदी से अच्छे से फिल करती जा रही हूँ, वैसे वैसे हमारा ये पैटर्न, ये डिजाइन और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। दोस्तों, हमारी आज की क्लास के मिनी ट्यूटोरियल एंड पिक आप सब लोगों को मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर अवेलेबल हो जाएंगे। मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो है V2 मेहंदी डिजाइन के नाम से। सो प्लीज गाइज, आप सब लोग मुझे वहाँ पर DM करना ना भूले। मैंने यहाँ पर इस तरीके से अगेन एक और बॉक्स का डिजाइन बनाया, और इस बॉक्स के डिजाइन को फिल करने के लिए मैं यहाँ पर दे रही हूँ ये जिगजैग के चेक। आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिजाइन, कोई भी एलिमेंट लगा सकते हैं। आप यहाँ पर मधुबनी के डिजाइन को भी कंटिन्यू लगा सकते हैं दोस्तों, इससे भी हमारा ये पैटर्न, ये डिजाइन और ज्यादा सुंदर दिखेगा। और आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं हमारे डिजाइन को कम्प्लीट करती जा रही हूँ, वैसे वैसे हमारा ये पैटर्न, ये डिजाइन और भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों, जिन्होंने भी बड़े ही पेशेंस के साथ इस डिजाइन को, इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, और देखने के साथ साथ इस डिजाइन की बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की है। वो सभी एक्चुअल में मेहंदी लगाना सीखना चाहते हैं, आप अपने इंटरेस्ट को इसी तरीके से बनाए रखिए, और साथ साथ में ही नहीं बल्कि बाद में भी इस डिजाइन की बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं फिंगर मेहंदी डिजाइन के लिए बहुत ही ईजी एंड सिंपल से पैटर्न यूज कर रही हूँ, और यहाँ पर मैंने इस फिंगर्स के ऊपर इस तरीके से ये स्मॉल सर्कल के लेयर्स बनाई है दोस्तों, और अब मैं यहाँ पर इनके अंदर छोटी छोटी आउटलाइंस की हेल्प से एक बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बना रही हूँ। दोस्तों, अगर आप सब लोगों को हमारी इससे पहले जितनी भी एडवांस क्लासेस आई है, अगर वो क्लासेस नहीं मिल रही है, तो इस वीडियो की साइड में जो 3 डॉट दिए हुए हैं वहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा, आप लोगों को उस वीडियोस के लिंक वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। आप उन वीडियोस को चलाइए और बहुत ही अच्छे तरीके से उन सभी डिजाइन की प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगेन मैंने यहाँ पर इस तरीके से इन सभी फिंगर्स के ऊपर डबल आउटलाइनें बनाई हैं। अब मैं यहाँ पर इन सभी फिंगर्स को अच्छे तरीके से फिल करने के लिए इनके ऊपर दे रही हूँ डॉट वाले राउंड सर्कल। आप चाहे तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कोई और डिजाइन, कोई और एलिमेंट भी बना सकते हैं। आप यहाँ पर मधुबनी का डिजाइन दे सकते हैं, चेक के डिजाइन आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हमारी आज की क्लास का ये पैटर्न, ये डिजाइन यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ एंड एक नए पैटर्न के साथ। तब तक आप सब लोग इसी तरीके से इन डिजाइन की प्रैक्टिस करते रहिएगा। सो स्टे ट्यून्ड की कोचिंग एंड बी प्रैक्टिसिंग गाइस। सो टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।